कलेक्ट्रेट कार्यालय में शासकीय पटवारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शासकीय पटवारियों का कहना है कि जीतू पटवारी ने सार्वजनिक मंच से सभी शासकीय पटवारियों को रिश्वतखोर बताकर प्रदेश के समस्त पटवारियों के मान सम्मान स्वाभिमान और अस्मिता को ठेस पहुंचाई है और पटवारियों को मानसिक आघात पहुंचाया है तथा पटवारियों का मनोबल टूटा है और पटवारी खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। जीतू पटवारी के बयान के खिलाफ शासकीय पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चला गया है। पटवारियों ने जीतू पटवारी से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी पटवारियों द्वारा दी गई है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने राव स्थित रंगवासा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान पटवारियों को 100% रिश्वत लेने वाला बताया था, लेकिन हंगामा होने के बाद जीतू पटवारी ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया था और अपने बयान को लेकर सफाई भी पेश की थी। हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं सर, आदमी हमारे को शक की दृष्टि से देखता है, इसलिए हमारा ये मांग है कि मंत्री जी मर्जी अगर कुछ लोग रिश्वत लेते हैं या उसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, अलग अलग कार्रवाई करने की जगह बनी हुई है। हम ये भी कहते हैं जो आदमी ऐसा गलत काम करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए आप, हम उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन इसके कुछ लोगों के लिए सारे सवर्ग को सारे पटवारी वर्ग को भ्रष्ट कहना ये बहुत गलत बात है। इस बात को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जब तक माननीय मंत्री जी बड़े मन से मीडिया के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं करते तथा माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। जो पटवारी संघ है उनके जिला अध्यक्ष द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने माननीय मंत्री जी के बयान के लिए एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर दिया हुआ है। नहीं, आज तो वो अभी अवकाश पर नहीं है, अभी 3 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम देने का एक ज्ञापन दिया है, तो इस ज्ञापन को हम लोग राज्य शासन को पहुंचा देंगे।